Hey, Sixth Science, welcome to today's class of Divine Public School. In our last class, we reach up to the cotton balls. Cotton balls ke andar kya hota hai? Ab aage is cheez ko hum janne ki koshish karenge. Inside the cotton balls are cotton seeds. Cotton ball ke andar cotton seeds available hote hain. To koi aapse puche cotton seeds kahan hote hain, to aapko kehna hai cotton balls mein. Cotton balls ke andar jo cotton seeds hote hain, उन्हीं के ऊपर होते हैं फाइबर्स ऑफ कॉटन. रिपीट अगेन, कॉटन बॉल्स के ऊपर कॉटन सीड्स होते हैं, कॉटन बॉल्स के अंदर कॉटन सीड्स होते हैं, और उन कॉटन सीड्स के ऊपर होते हैं फाइबर्स ऑफ कॉटन. ये जो कॉटन बॉल्स है ग्रीन कलर के होते हैं. जब ये मैच्योर हो जाते हैं कुछ दिनों बाद, तो इनका कलर चेंज हो जाता है और ये हो जाते हैं ब्राउन. उसके बाद ये फट जाते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं, सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आके कॉटन फाइबर्स ड्राई और फ्लफी हो जाते हैं. लुक अगेन, कॉटन बॉल्स के अंदर कॉटन सीड्स, कॉटन सीड्स पे फाइबर्स ऑफ कॉटन. ये जो कॉटन बॉल्स होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, मैच्योर होके ब्राउन कलर के होते हैं, फिर फट जाते हैं सनलाइट के कॉन्टेक्ट में आके. ये ड्राई और फ्लफी, सूखे और गद्दीदार हो जाते हैं, फूल जाते हैं. कॉटन इज हैंड पिक्ड फ्रॉम द प्लांट्स. कॉटन को हाथ से चुना जाता है प्लांट्स के अंदर से, उन कॉटन की बॉल्स को तोड़ा जाता है. प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन. कॉटन को किस तरह से तैयार किया जाता है, किस तरह से उसके फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, क्या प्रोसेस होता है फाइबर टू फैब्रिक करने का, ये हम इसके अंदर जानने की कोशिश करेंगे. सबसे पहली बात है गिनिंग. गिनिंग क्या चीज होती है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन सीड फ्रॉम कॉटन पॉट्स इज कॉल्ड गिनिंग. वो जो कॉटन बॉल थी रुई की, जिसके अंदर से सीड्स को हटाया जाता है, ये प्रोसेस गिनिंग कहलाता है. गिनिंग कैन बी डन बाय हैंड, स्टील कॉम्ब और मशीन. गिनिंग को परफॉर्म किया जाता है हाथों से. अगर थोड़ा उससे बड़े स्केल पे काम करना है तो स्टील के कॉम्ब से, और अगर लार्ज स्केल पे काम करना है तो उसके लिए काफी सारी मशीन्स होती है. The ginned cotton called lint is compressed with hydraulic presses into bales. Each bale of cotton weighs around 200 kilo. Ginning के बाद जो cotton अपन को मिला है उसको कहा जाता है lint. L-I-N-T. Lint. Lint को hydraulic press किया जाता है. Hydraulically. Hydraulics मतलब air के vacuum create करके machinery के through उनको compress किया जाता है. कंप्रेस करने के बाद उनको कॉटन बेल्स, बड़े बड़े कॉटन के गट्ठर बना लिए जाते हैं. एक कॉटन का गट्ठर 200 किलो का होता है. सो स्टूडेंट्स, कॉटन बॉल्स के अंदर होते हैं कॉटन सीड्स, कॉटन सीड्स के ऊपर होते हैं फैब्रिक. ये कॉटन बॉल्स ग्रीन कलर की होती है, जो मैच्योर होके हो जाती है ब्राउन कलर की. ये फट जाती है, कॉटन सन के कॉन्टेक्ट में आता है, सन के कॉन्टेक्ट में आने से वो ड्राई और फ्लफी हो जाता है, सूखा और गद्दीदार हो जाता है, और उसके बाद उसको किया जाता है प्रोसेस. प्रोसेस के अंदर हम पढ़ते हैं गिनिंग के बारे में. गिनिंग का मतलब होता है उन कॉटन सीड्स को रिमूव करना. कॉटन सीड्स अलग अलग तरीके से रिमूव होते हैं, हैंड, स्टील कॉम्ब, मशीनरी. वो डिपेंड करता है कि अपन उस काम को कौन से स्केल पे कर रहे हैं. गिनिंग के बाद जो कॉटन बनता है उसको बोलते हैं लिंट. लिंट को हाइड्रोलिकली प्रेस किया जाता है और वो बन जाता है कॉटन बेल. एक कॉटन बेल 200 किलोग्राम का होता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, स्पिनिंग कॉटन यान. कॉटन यान को स्पिन करना, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड करना, उसको धागा बनाना ताकि वो यूज में आ सके, उसके फाइबर्स बनाए जा सके. कुल मिला के अपनी नेटिव लैंग्वेज में उसको कातना, स्पिन करना. रो कॉटन या लिंट को सप्लाई किया जाता है इंडस्ट्रीज में इन द फॉर्म ऑफ बेल्स. बड़े बड़े गांठें, गटरे के रूप में उन्हें इंडस्ट्रीज को सप्लाई कर दिया जाता है. इंडस्ट्रीज का काम होता है उन बेल्स को यार्न में कन्वर्ट करना. यार्न, जिसकी डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं. रो कॉटन इज लूजेंट एंड क्लीन फ्रॉम स्ट्रॉ और ड्राइड लीव्स. जो कच्चा कॉटन आया था कंपनीज के पास, सबसे पहले उनको साफ किया जाता है स्ट्रॉ, जो अनवेस्टेड, जो अनवांटेड रेशे होते हैं,
और ड्राइड लीव्स जो सूखी हुई पत्तियां रहती है वो उनमें से अलग की जाती है। क्लीन कॉटन को डाल दिया जाता है बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर, फेड अप इनटू द मशीन्स। वहां पे उस कॉटन को कॉम्ब्ड किया जाता है, स्ट्रेटन्ड किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है एक बहुत ही बारीक रस्सी जैसे स्ट्रक्चर में, जिसको अपन यार्न कहते हैं।